तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ हीरो के शोरूम में और मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे हीरो के न्यूली लॉन्च्ड स्कूटर हीरो जूम। ये टोटल 3 वेरिएंट में आती है, LX, VX, ZX। ये मेरे सामने टॉप मॉडल है इसकी ZX। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 80,699 इसकी X शोरूम प्राइस है और ऑन रोड की बात करें तो ये शांति हीरो ग्रिड में 95,000 रुपया पड़ती है इसकी ऑन रोड प्राइस। इसमें ढेर सारी नई नई फीचर्स हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन सब फीचर्स के साथ साथ। आज मैं इस वीडियो में आपको इसे चला के भी दिखाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से सीधा। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और RTMI करके भी एक इसमें फीचर है, जो कि रियल टाइम माइलेज इसमें आपको शो करते रहेगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इस स्कूटर में एक्सट्रैक्ट वाली फीचर है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को इस स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने फ़ोन की सारी कॉल्स के अलर्ट और मैसेज के अलर्ट इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको बार बार अपने पैकेट से फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। इस साइड आते हैं, ये हाई बीम लो बीम वाली बटन से साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पास वाली फीचर्स इसी में इंक्लूडेड है। उसके जस्ट नीचे ये टर्न इंडिकेटर वाली बटन और जस्ट उसके नीचे ये हॉर्न की बटन। हॉर्न इसकी बजा के देखते हैं, हॉर्न काफ़ी लाउड है। आते हैं इस और, तो इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी मिलती है और उसी की बटन से यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये i3s टेक्नोलॉजी के कारण आप इसमें काफ़ी फ्यूल सेव कर सकते हो। हेवी ट्रैफिक में जब भी आप फंसते हो तब कुछ सेकंड में इंजन इसकी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। उसके बाद कोई भी लीवर आप या तो राइट साइड की या तो फिर लेफ्ट साइड की कोई भी प्रेस करो तो ये फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। की और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में सबसे पहला चीज़ ये जो मिरर्स है, ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिरर्स आपको देखने को मिलेगा। तो मटेरियल काफ़ी बढ़िया यूज़ किया हुआ है। जस्ट उसके नीचे ये इंडिकेटर जो ये हेलोजन यूनिट में आती है, इसमें हेलोजन बल्ब हम लोगों को देखने को मिल जाएगा उसके नीचे। लेकिन ये जो हेडलाइट है, ये फुल LED सेटअप हेडलाइट है, इसमें हाई बीम लो बीम दोनों है। साथ ही साथ ये DRL जो है H शेप्ड में है और जस्ट उसके नीचे ये कॉर्नरिंग लाइट आपको मिलती है दोनों साइड। अगर आप इसे राइट टर्न करते हो तो ये राइट वाली चलेगी और अगर इसे लेफ्ट आप टर्न करते हो तो ये लेफ्ट वाली चलेगी, जो कि लो विजिबिलिटी में काफ़ी बढ़िया ये का फीचर है। आते हैं जस्ट उसके नीचे, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है, ये वॉबल नहीं करती है हायर स्पीड में। और इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स बहुत कम ही स्कूटर्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि काफ़ी मजबूत होती है स्टील रिम के कंपैरिजन में। आते हैं इस साइड, ये मडगार्ड रही जो कि फाइबर के मटेरियल है। इसकी टायर्स की बात करें तो 90x90 सेक्शन की टायर मिलती है 12 इंचेस में। साथ ही साथ इस स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से इसमें ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया हम लोगों को मिलने वाली है। चलते हैं दिखाते हैं इस स्कूटर को साइड से। ये काफ़ी एरोडायनेमिक है, जिसके कारण से आपको इसमें माइलेज काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि एयर के जो सामने से विंड के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाती है एरोडायनेमिक डिज़ाइन के कारण। और इसकी ये जो फुटरेस्ट है काफ़ी बढ़िया मटेरियल की है, ये मेटल की फील होती है बट ये आई थिंक मेटल है नहीं। आते इस साइड तो इसमें ये जो एग्जॉस्ट है, इसमें स्पोर्टी मफलर है, जिसके कारण से इसकी एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बेटर होती है। एक बार मैं इसे स्टार्ट करके आपको सुनाता हूँ। वैसे तो काफ़ी साइलेंट है बट इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बेटर है। तो करते हैं इसको बंद और चलते हैं इसके रियर में। तो रियर से ये काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है और इसकी जो पीछे की टेल लाइट है वो H शेप में मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। एक बार मैं इसे ऑन करके पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जलने के बाद और भी खूबसूरत हो जाती है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे लग जाएगी आपकी नंबर प्लेट, ये रही रिफ्लेक्टर, ये दोनों हेलोजन यूनिट में है। बाकी ये जो H शेप में ये टेल लाइट है ये पूरी LED यूनिट है। आते हैं इसकी रियर के टायर्स की बात करें तो ट्यूबलेस टायर इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसकी साइज की बात करें तो इसमें हमें 100x80 12 इंचेस की टायर्स देखने को मिलती है, जिसके कारण से काफ़ी बढ़िया इसमें हम लोगों को ब्रेकिंग वगैरह देखने को मिलेगी इतनी वाइडर टायर होने के कारण। और पीछे भी इसमें अलॉय व्हील जो है आपको डायमंड कट अलॉय व्हील ही देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं उस साइड।
बात करेंगे इसके इंजन से, तो इसमें 110 सीसी की एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिलती है, जो कि 8.05 BHP की पावर जनरेट करती है और साथ ही साथ 8.7 NM की टॉर्क जनरेट करती है। और फ्यूल सिस्टम की बात करें तो आपने देखा ही है, FI है, फ्यूल इंजेक्शन वाली फ्यूल सिस्टम इसमें। और इस इंजन से आप माइलेज 40 से 50 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है उसकी, ये रही केबल देख सकते हो। इस साइड आपको एक हुक मिलता है जिसमें आप डेली की ग्रोसरीज वगैरह टांग के ला सकते हो, पॉलीथीन बैग या तो फिर थैला वगैरह उसमें टांग सकते हो आप। इसकी बूट खोल के देखते हैं इसकी बूट में क्या मिलती है। इसकी डिक्की को खोलते हैं तो ये देखिए काफ़ी डीप बूट है, इसमें काफ़ी सारी स्टोरेज है। साथ ही स्टोरेज की बात करें तो फ्रंट में भी कुछ स्टोरेज हैं, यहाँ पे आप कुछ भी बोतल वगैरह रख सकते हो। और इसमें आपको बूट में एक लाइट भी मिलती है, बूट लैंप जिसको हीरो बोलती है। ये बूट लैंप के कारण आप इसे अंधेरे में कोई भी सामान आपको निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जाती है इसकी फ्यूल, और बढ़िया बात यह है कि ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है, जिससे ये पता चलता है कि OBD2 लॉट की व्हीकल है, जो कि BS6 फेज 2 के लिए कॉम्पेटेबल है। तो चलिए चला के देखते हैं इसे, उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से ये चलाने में कैसी है। तो चलिए चला के देखा जाए इस स्कूटर को, यह स्कूटर चलाने में कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी साइलेंटली यह स्टार्ट हो गई। कंसिडरिंग 110 सीसी इसमें पावर काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलती है, और काफ़ी स्मूथ इसका इंजन है, और ऐसे पावर में कोई कमी फील हो नहीं रही है। काफ़ी बढ़िया पावर है इसमें, जहां से भी इसे एक्सेलरेट कर रहे हैं वहीं से ये पुल कर रही है। इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और ख़ास करके इसकी सस्पेंशन, जब भी मैं किसी ऐसे रोड ब्रेकर से गुजर रहा हूँ तो कुछ पता ही नहीं चलती, काफ़ी कंफर्टेबल इसकी शॉक एब्जॉर्बर। लगे हाथ इसकी ब्रेकिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग, और एक भी जरा सभी इसके टायर स्किड नहीं की। वैसे जनरली देखा जाता है कि काफ़ी स्कूटर्स में या तो फिर बाइक्स में भी जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हैवी ब्रेक, उस वक्त उसकी टायर स्क्रीच होती, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसमें काफ़ी आसानी से स्कूटर रुक गई विद इन फ्यू मीटर्स। एक बार फिर से इसकी ब्रेक्स को अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। इस वक्त लगभग मैं 45 की स्पीड में हूँ, 45 से 40 का स्पीड में, और जस्ट यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी हैवी ब्रेकिंग करने के बावजूद भी इसकी टायर्स स्क्रीच नहीं कर रही है। आप इस स्कूटर पर काफ़ी लंबी जर्नी भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है काफ़ी बंदा स्ट्रेट होकर बैठता है, जिससे कि आपके लोअर बैक में कभी पेन होगी नहीं। ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद तो फोर व्हीलर में आदमी को लोअर बैक में पेन हो जाता है, फिर भी यह स्कूटर है, बट फिर भी काफ़ी बेटर इसमें सिटिंग पोस्चर है, और इसकी और इसमें पैर रखने का भी काफ़ी बढ़िया से जगह दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप समय के साथ इसमें पैर को आगे पीछे दाएँ बाएँ कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हॉर्न तीखी हॉर्न मिलेगी इसमें आपको, विच इज़ गुड। और हैंडल वगैरह काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी एक बढ़िया, मतलब कैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ, ये काफ़ी बढ़िया पोजीशन है मेरे लिए, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस स्कूटर को चलाने में, और इसकी पावर एडिक्वेट है ही, एक डेली कम्यूटर स्कूटर के लिए इतनी पावर मोर देन सफिशियंट है। आप इसमें दो लोड या तो फिर उससे ज़्यादा तो चलना अलाउड है ही नहीं, बट अगर दो लोड भी आप चलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, कहीं भी पावर लैग का इशू आएगा नहीं। अगर टॉप स्पीड की इसमें बात करें तो टॉप स्पीड इसमें 80-90 के बीच में आराम से ये टच कर जाएगी, बट उतने स्पीड पे स्कूटर को चलाना नहीं चाहिए। एक और ब्रेकर यहाँ पे आए यहाँ पे, और इसके एक बार सस्पेंशन को टेस्ट किया जाए। आप कैमरा देख के ही जज कर पा रहे होगे, उतनी
इसकी सस्पेंशन में इतनी, इसके जो फ्रंट सस्पेंशन में जो हाइड्रोलिक टेलीस्कोप है जिसके कारण से फ्रंट से तो किसी प्रकार का शॉक इसमें हैंडल पे फील होता ही नहीं है, और रही बात रियर शॉक की तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कि कंफर्टेबल साइड पे ही रखा हुआ है, स्टिफ ज़्यादा नहीं है, विच इज़ गुड कंसिडरिंग द प्राइस। दिस स्कूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर इन द मार्केट, और ये मार्केट में धूम मचाएगी ही मचाएगी। तो बस इसी नोट के साथ आज अपने वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।